नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। मैं विशाल गलत और आप देख रहे हैं हमारे चैनल मैथमेटिक्स लवर। चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक्सरसाइज 11 का क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 13 आप देख रहे हैं जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सो दैट द पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द कर्व, तो कर्व का हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पर शो करना है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और हमारा यहाँ पे कर्व दिया होता है। कर्व क्या दिया दोस्तों, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी लाई होना लाइन। तो क्या बोलते हैं दोस्तों कि ये जो कर्व है इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो आप निकालिएगा ही, इसको शो तो करना ही है, लेकिन ये भी बताना है कि ये लाई करता है किस लाइन पे। ये जो लाइन हमारा देख रहे हैं आप 3x + a = 4b, इस लाइन पे लाई भी करता है। तो ये हम इसको शो करते हैं, मतलब प्रूव करके दिखाते हैं, और ये भी बताते हैं क्या कि ये जो कर्व है हमारा इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इस लाइन पे लाई करता है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, चूंकि वाई हमारा जो फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी, ये हमारा फंक्शन था। अब यहाँ से देखिए, अब इसलिए स्क्वायर हटाएंगे तो आप सभी को पता है यहाँ रूट चढ़ता है, रूट आ जाता है, अब इसलिए अपोजिट साइड। तो यहाँ पे देखिए आर एच एस में एल एच एस से चूंकि स्क्वायर हटाए थे, यहाँ पे आर एच एस में रूट आ चुका है जो कि यहाँ पे देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे देखिए कि दोस्तों क्या माफ कीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग हो गया लिखने में। यहाँ पर देखिए एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर था फंक्शन में हमारा यही था। तो आप सभी को पता है कि जिसके ऊपर स्क्वायर रहता है मतलब यहाँ से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि रूट का वैल्यू आप सभी को पता है 1/2 होता है। तो यहाँ पर पावर ऑलरेडी टू रखा हुआ, तो मल्टीप्लाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ पावर 1 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए ये रूट से बाहर निकल जाएगा, तो फाइनली यहाँ पर क्या बनेगा वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस ए, और ये तो रूट में ही रहेगा रूट ओवर एक्स माइनस बी। अब इसमें हमारा जो चैन रूल का फॉर्मूला है यू इंटू वी वाला फॉर्मूला आप सभी को पता होता है, यू इंटू वी वाला फॉर्मूला। तो इसी प्रोडक्ट रूल का माफ कीजिएगा, इसी चैन रूल के फॉर्मूले का यूज करके हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन निकालना है तो हमको मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा, मतलब सेकंड ऑर्डर तक डिफरेंशिएट करना होगा। तो देखिए हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, तो यू इंटू वी वाला हम क्या करते हैं, तो यू को रखते हैं वी को डिफरेंशिएट करते हैं, जब वी को डिफरेंशिएट करते हैं तो फाइनली ये बनेगा, फिर बीच में प्लस के साइन, फिर वी को रखते हैं और यू को डिफरेंशिएट करते हैं। देख सकते हैं कि यू हमारे पर कुछ नहीं है डिफरेंशिएट होने, डिफरेंशिएट होने के बाद कुछ नहीं इसलिए तो क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो फाइनली हमारा क्या बनेगा यहाँ पर 1, और ए तो हमारा कॉन्स्टेंट मतलब 0, तो 1 में से 0 कटेगा तो 1, तो 1 में से मल्टीप्लाई किया तो फाइनली यही टर्म बनेगा जो कि मैंने डायरेक्टली यहाँ पे सो सिर्फ लिख दिया सो के लिए, यही हमारा टर्म रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 नहीं लिखा क्योंकि मल्टीप्लाई होने के बाद यही टर्म रहेगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई होने के बाद यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये चूंकि मल्टीप्लाई होगा ऊपर में तो ये बनेगा, यहाँ से रूट हटाएंगे तो आप सभी को पता है कि पावर 1/2 आता है, बीच में प्लस का साइन, यहाँ पर भी देखिए पावर एक्स माइनस 1 पर यहाँ पर रूट हटाने के बाद पावर 1/2। अब आप सभी को पता है कि इसके नीचे कुछ नहीं थे, ऊपर 1 डिनोमिनेटर में है ही, तो यहाँ से एलसीएम आप ले सकते हैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि इसलिए ऐसा कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि आगे हमारा जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकले वो काफ़ी ईजी हो, मतलब उसको डिफरेंशिएट करने में ज़्यादा हम लोग को मुश्किल का सामना ना करना पड़े, इसलिए यहाँ से थोड़ा सा एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जब हम लोग लेते हैं तो क्या होगा, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि ये फॉर्म आता है, यहाँ से डिवाइड होगा तो यहाँ पर एक्स माइनस यही होगा, ये तो पता है आपको, लेकिन 1 से कीजिएगा तो यहाँ पर 2 तो रहेगा लेकिन एक्स माइनस बी का पावर 1/2 होगा, यहाँ तो ऑलरेडी एक्स माइनस बी पर पावर 1/2 था। तो आप सभी को पता है कि सेम रेशियो में पावर ऐड होता है, तो यहाँ पर देखिए एक्स माइनस बी पे पावर 1/2 होता है, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्स माइनस बी पे पावर 1/2 होगा, तो सेम बेस होने पावर ऐड, तो हाफ आप ऐड कीजिए तो पावर 1, तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं तो पावर 1 है, मतलब एक्स माइनस बी का पावर 1 यहीं पे यही टर्म रहेगा। इसके बाद थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हुए हमारा न्यूमिनेटर कुछ ऐसा दिखेगा आपको, एक्स माइनस ए तो रहेगा लेकिन ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए एक्स को और माइनस बी को, तो 2x - 2 भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2x + x 3x हो जाएगा और -a - 2 भी वैसे का वैसे रहेगा जो कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे अगले स्टेप में y1 = 2। अब यहाँ पे देखिए जितना हो सके सिंपलीफाई यहाँ पे मैंने कर चुका हूँ, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला जो u इनटू v वाला है उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो उसको जब यूज करते हुए यहाँ पर देखिए फाइनली क्या बनेगा, यहाँ पे y2 = पहले करते हैं v का स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 v हमारा क्या है, तो 2x - b पे पावर 1/2 हाफ है, यही हमारा था v, तो जब इसको स्क्वायर कीजिएंगे तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर का साइन दे दिया। उसके बाद फिर क्या करते हैं, u को v का रखते हैं तो 2 × x - b पावर 1/2 ये हमारा v है, u को डिफरेंशिएट करेंगे तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सिर्फ यहाँ पे 3 होगा, क्यों दोस्तों, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 कांस्टेंट, ये तो बाहर आ जाएगा लेकिन x के रिस्पेक्ट में करेंगे इसका वैल्यू 1 होगा, लेकिन ये दोनों तो कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा जो कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, फिर बीच में माइनस का साइन, उसी तरह फिर u को रखेंगे जो कि यहाँ पे देख रहे होंगे इनटू, फिर इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे v को तो 2 तो ऑलरेडी पहले से है, जब ये पावर मल्टी बाहर उठ के आएगा x^n वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा और 1 में से घटता भी है -1 तो घटेगा तो ये होगा, और ये इसको डिफरेंशिएट करेगा बेस का तो यहाँ पर क्या होगा बनेगा फाइनली दोस्तों 1 - 0, तो फिर से यहाँ पे 1 ही रहेगा मतलब मल्टीप्लाई होने के बाद, इसलिए यहाँ पे देखिए अब यहाँ से फिर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो उसके बाद जो हमारा टर्म बनेगा वो क्या होगा दोस्तों, y2 = यहाँ पे देखिए 2 × 3 = 6 लिख दिया मैंने, x - b पे पावर 1/2 बीच में माइनस के साथ, फिर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर देखिए 3x - a - 2b ये वैसे का वैसे ही यहाँ पे, और ये तो कैंसिल हो चुका है, तो फाइनली यहाँ पर क्या बनेगा दोस्तों, x माइनस बी पे पावर
पावर -1/2। अब यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, जब इसका स्क्वायर कीजिए तो ऑब्वियसली एक्स माइनस भी होगा क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। तो आप सभी को अभी पता है, फिर से मैं बता देता हूँ, 1/2 × 2 होगा तो 2 2 कैंसिल होगा तो फाइनली 1 बचेगा। तो इसके ऊपर कुछ नहीं, तो पावर यहाँ पे 1 तो छुपा हुआ ही, तो फाइनली हमारा y2 ये हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। इसको थोड़ा सा और हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे क्या दोस्तों, यहाँ पे देखिए पावर माइनस है तो इसको पॉजिटिव तो हमको बनाना ही है। तो देखिए ये सब हमारा अगला स्टेप में, तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो हमारा अगला स्टेप जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है वो क्या है दोस्तों, y2 = देखिए वो आ चुका है नीचे डिवाइड में, तो डिवाइड में आएगा तो फाइनली डायरेक्टली एलसीएम लेकर मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो एलसीएम हमारा न्यूमिनेटर कुछ ऐसा दिखेगा और ये हमारा डिनोमिनेटर होगा डिवाइड बाई ये तो है ही, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं हमारा न्यूमिनेटर y2 = फाइनली ये हमारा नीचे आ जाएगा जो कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, और ये हमारा मल्टीप्लाई होने के बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई होने के बाद हमारा ये जो टर्म हमारा ऊपर में न्यूमिनेटर देख रहे होंगे कुछ ऐसा दिखेगा आपको। और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए 6x है और 3x है, तो 6x में से 3x माने माइनस होगा तो 3x बचेगा, यहाँ पर ए तो रहेगा लेकिन -6 भी है +2 भी है, तो ऑब्वियसली माइनस होगा तो -4 भी बनेगा, और डिनोमिनेटर जो हमारा 4 × x - b पावर 3/2 हो गया। क्योंकि दोस्तों क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए x - b पावर कुछ नहीं था, यहाँ पर 1 छुपा हुआ था, यहाँ पर 1/2 था, सेम बेस होने पावर ऐड होता तो हाफ में 1 ऐड कीजिएगा तो 3/2 होगा। अब चूंकि 2 बार हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट कर लिया है तो अब क्या करेंगे दोस्तों, तो अब हम लोग करते हैं इसको सेकेंड जीरो से इक्वेट, क्योंकि आप सभी को पता है कि फॉर्मूला हमारा, हम लोग सभी को पता है कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएट को पहले क्या करते हैं, d2y/dx² को जीरो से इक्वेट करते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पता करने के लिए। तो जब ये यहाँ पे पुट करते हैं तो ये हमारा जीरो बन जाएगा, फाइनली हमारा न्यूमरेटर वाला पार्ट, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे बनेगा 3x + a - 4b, ये हमारा बच गया क्या दोस्तों, न्यूमरेटर। उसके बाद यहाँ पर एक्स का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, तो एक्स का वैल्यू 3x को इधर ही रखेंगे, ये सारे टर्म को ले जाएंगे, तो यहाँ पर 4b पॉजिटिव बनेगा, ए हमारा जो पॉजिटिव था वो हमारा नेगेटिव बन जाएगा। यहाँ से एक्स को यहीं से एक्स को इधर ही रखेंगे और 3 को मल्टीप्लाई में तो यहाँ जाएगा तो डिवाइड में, तो फाइनली एक्स का वैल्यू जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये आएगा। तो इसलिए इससे क्या पता दोस्तों, एक्स का वैल्यू यहाँ पे जैसे कि देख सकते होंगे आप, हेंस मैंने लिखा है x = -4b - a/3 गिव्स द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देगा वाई कोऑर्डिनेट का। दैट इज इसका क्या मतलब दोस्तों कि द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन लाई ऑन द लाइन 3x + a = 4b, तो इसी लाइन पे करेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे देख सकते हो आप 3x + a - 4b इसको इधर ले जाएंगे तो सिर्फ 4b होगा, मतलब 3x + a = 4b बनेगा जो कि इसी लाइन पे पॉइंट, इसी को हमको प्रूव भी करना था, तो ये हमारा हो गया प्रूव, और 100 भी हो गया क्योंकि इस वैल्यू को आप वाई के हमारा जो फंक्शन है उसमें पुट कीजिएगा तो वाई का कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा। तो इससे आपको पता क्या चल जाएगा दोस्तों कि हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी देगा, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है गिव्स द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब यही जो एक्स का वैल्यू है जो आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देगा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के, और क्या होगा, और इसका यह भी मतलब निकलता है कि ये जो पॉइंट है, जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, लाई करता है कौन सा लाइन, जो हमारे क्वेश्चन में लाइन दिया हुआ था, लाइन का इक्वेशन इसी लाइन पर प्रूव लाई करता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का प्रूफ, मतलब सॉल्यूशन दोस्तों। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसे ही मैथ का सॉल्यूशन वीडियो लाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।